नगर पालिका निगम रिसाली के गठन के बाद आधिकारिक तौर पर प्रथम आयुक्त के तौर पर आशीष देवांगन ने कुर्सी संभाली है और उन्होंने साफ कहा है कि रिसाली क्षेत्र में मात्र 6 टंकियां हैं और इनसे पूरे क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कमी है और उनकी पहली प्राथमिकता ही है कि कम से कम 2 पानी की टंकियों का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाएगा और पूरे रिसाली क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति पूर्ण की जाएगी। साथ ही शहर सरकार से समन्वय बनाकर रिसाली निगम को आदर्श निगम बनाने पर जोर दिया जाएगा। अभी जब से मैं ज्वाइन किया हूँ हमारी 2 प्रायोरिटी में है, एक है राजस्व वसूली पे ध्यान देना और दूसरा है पेयजल संकट को दूर करना। हमारे 3-4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ अभी भी पेयजल संकट है और इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने DMF से भी मांग की है तो भी हमको मिलेगा। इसके अलावा हम लोग शासन को भी प्रपोजल भेज रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि महापौर मैडम माननीय मंत्री जी सभी पेयजल संकट के प्रति बहुत संवेदनशील है और इस मामले में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। देखते हैं वर्तमान में हमारे पास 6 टंकी है, 1 पुरानी है और अभी 5 नए अमृत वन में मिला है और हमारा उद्देश्य अभी हमारा टारगेट ये है कि अभी 2 और टंकियाँ हमको वर्तमान में तत्काल में चाहिए। इसके लिए अमृत 2.2 में हम प्रपोजल ले रहे हैं।